सरकार ने हर एक दुकानदारों को महाराष्ट्र में एक अच्छी खबर दी है, जिसमें दुकानों को चालू करने की एक परमिशन छूट छाट दे दी है। 5 तारीख से, मतलब फ्राइडे से, आप ऑड्स एंड इवन डेट के ऊपर आप अपनी अपनी दुकानें, एक लाइन की जो दुकानें हैं, अगर उनके नंबर्स इवन में है तो वो एक दिन चालू कर सकेंगे, सामने की लाइन की ऑड में रहेंगे तो वो दूसरे दिन चालू कर सकेंगे। इस प्रकार से परमिशन दी गई है। उसके साथ में सिर्फ परमिशन देने से दुकानों चालू करने की हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा, और हर एक दुकान में जो ग्राहक आता है उसको सैनिटाइज करने का, उनके अगर आपके दुकानों में थर्मामीटर है, इंफ्रारेड थर्मामीटर है, तो उसको चेक करने का, सोशल डिस्टेंसिंग का स्टिकर्स लगाने का दुकानों में, और कम से कम स्टाफ रहे और कम से कम लोग भीड़ नहीं होनी चाहिए, 5 से ज्यादा लोग दुकान में नहीं होने चाहिए। और उसके साथ में सरकार ने ये कहा है कि आपको हर एक को अपने अपने दुकानों में कोई भी ग्राहक आता है तो उसको ट्रायल करने की मंजूरी नहीं है। कपड़ा अगर शर्ट है, पैंट है, उनकी ट्रायल की मंजूरी नहीं है, वो ऑल्टरेशन नहीं होगा दुकानों में, कपड़े चेंज नहीं होंगे, आप पहन के देख नहीं सकते, क्योंकि सरकार चाहती है कि कोरोना इस प्रकार से ज्यादा स्प्रेड होता है, तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके साथ में सरकार ने ये भी कहा है कि कस्टमर की और स्टाफ की और हमारे घर के परिवारों की सुरक्षा अपने हाथों में है, क्योंकि ये दुकान करीबन 3 लाख दुकानें हैं, तो शायद सब नहीं खुले लेकिन 30-40% शायद दुकान खुल जावे, क्योंकि स्टाफ को आने के लिए दिक्कत है। अभी भी सरकार ने हमारे स्टाफ को आने की परमिशन किस प्रकार से आएंगे उसका खुलासा नहीं किया है। हमने कहा था कि हमारे स्टाफ के लिए जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चालू करना चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू नहीं होता है तब तक हमारे दुकान के जो सबब में रहते हैं स्टाफ और कोई अलग अलग दूर जगहों में रहते हैं, वो आने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई खुलासा आया नहीं है। उसके सिवाय हर एक को अपनी अपनी दुकानें 9 से 5 बजे तक खुली रखनी है। एसेंशियल प्रोडक्ट्स जिस प्रकार से अपनी दुकानें खोल रहा है वो खुली रहेगी, लेकिन जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट है वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन खुली रहेगी, करीबन 9 बजे से 5 बजे तक। और जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं और बुजुर्ग स्टाफ है तो उनको आप मेहरबानी करके, जो डायबिटीज है और जो बीमारी से जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है उनको आपको दुकान में रखना नहीं चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए घर पे ही रहे। और आपको भी जब भी आप घर पे जाए तो अपने आप को सैनिटाइज करिए, स्नान कर लीजिए, कपड़े आप धोने को डाल दीजिए, ये सारी चीजों का सरकार ने कहा गया है। और ये सारी चीजों का नियम अगर दुकानदार अपने अपने दुकानों में अगर नियम का पालन नहीं करेगा तो वो दुकानदार के ऊपर कड़क उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उनकी दुकानें बंद भी हो सकती है। अगर हम सारे दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो शायद हमें महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारी दुकानें बंद भी हो सकती है। तो हमारी हाथ जोड़ के आपको विनंती है कि हमारे दरेक दुकानदार भाई हो, व्यापारी हो, अपनी अपनी दुकानों में अपना अपना सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। आपकी सुरक्षा, आपके स्टाफ की सुरक्षा और आने वाले कस्टमर की सुरक्षा को देख के सारे इंतजाम किए जाए, सैनिटाइज किया जाए, मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए। थैंक यू।